नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme Narzo 70 Turbo vs Realme Narzo 70 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 70 टर्बो में 6.37 इंच जबकि 70 प्रो 5G में 6.42 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 70 टर्बो में 2.94 इंच जबकि 70 प्रो 5G में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो 70 टर्बो में 0.3 इंच जबकि 70 प्रो 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि 70 टर्बो से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो 70 टर्बो में 185 ग्राम जबकि 70 प्रो 5G में 195 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि 70 टर्बो से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 70 टर्बो में OLED जबकि 70 प्रो 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 70 टर्बो में 88.92% जबकि 70 प्रो 5G में 87.36% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 70 टर्बो में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और 70 प्रो 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 70 टर्बो में माली जी 615 MC2 जबकि 70 प्रो 5G में माली जी 68 MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 70 टर्बो में MediaTek Dimensity 7300 एनर्जी और 70 प्रो 5G में MediaTek Dimensity 7050 मिलता है। बात करें रैम की तो 70 टर्बो में 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 6GB, 8GB, 12GB की रैम मिलती है, जबकि 70 प्रो 5G में एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 विकल्प देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB, 256GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो 70 टर्बो में अप टू 1TB जबकि 70 प्रो 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 70 टर्बो में 3 कलर्स जबकि 70 प्रो 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 70 टर्बो में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस,
12 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 20,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 70 प्रो 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 18,621 रुपीस, 8 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme Narzo 70 Turbo में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme Narzo 70 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 70 टर्बो आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो कैमन 35G है, दूसरा Realme 12 प्लस 5G है, तीसरा ओप्पो के 12X 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।